वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस का मैं आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो आपका चैप्टर टू है एनसीईआरटी की। नाइन्थ की इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट की है, चैप्टर टू इसका एंड होने वाला है आज। तो चलिए करते हैं। हेडिंग है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाई मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब ऐसे क्रियाकलाप जिनका संबंध सीधे डायरेक्टली मनी से है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाई मैन एंड वुमेन, तो इससे पहले आपने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, लाइक्स विलास एंड सकल। पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। विलास और सकल की तरह लोग जो है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ यानी क्रियाकलापों में व्यस्त थे, ठीक है। वी सॉ दैट ब्लास सोल्ड फिश। ब्लास जो है मछलियाँ बेचता है एंड सकल जो है क्या करता था, जॉब करता था, ठीक है। ये इनकी एक्टिविटीज़ हैं। सकल गॉट अ जॉब इन द फर्म। अब ये फर्म क्या होती है बच्चों, कंपनी से जो छोटा रूप होता है उसको फर्म कहते हैं, ठीक है। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन सेक्टर्स। जो मुख्य क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनके जो क्लासिफाइड किया गया है, उन्हें वर्गीकरण किया गया है, तीन मुख्य सेक्टर हैं, ठीक है। तो तीन कौन कौन से सेक्टर हैं वो, तो पहला याद रखिएगा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टेरिटरी। जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें तीन वर्गों में बांटते हैं, प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक, टेरिटरी तृतीयक क्षेत्र होता है, ठीक है। अब चलते हैं इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर का भाग है, तो आप बता दीजिएगा कि एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर का भाग है, यानी जो कृषि है प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, क्योंकि हम अनाज जो है खेत से उगाते हैं। ट्रिक है इसकी, सबसे पहले अनाज हम खेत से उगाते हैं, तो यही इसका मतलब हुआ कि कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। फॉरेस्ट्री भी प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, जो पशुओं को पालते हैं, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। फिशिंग मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गियों का पालन, माइनिंग एंड क्वारिंग, ये प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से भाग हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बच्चों वो सेकेंडरी सेक्टर का भाग होती है, ठीक है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस आर द टेरिटरी सेक्टर, ये सब तृतीयक क्षेत्र का भाग है, ठीक है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्यों सेकेंडरी सेक्टर का भाग है, जब आप गेहूं को उगाते हो तो गेहूं को उगाने के बाद बिजनेसमैन उनसे हम मंडी में बेच देते हैं और वहां से बिजनेसमैन लेके चले जाते हैं, और फिर गेहूं से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों का मैन्युफैक्चर होता है। इसलिए एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का और एग्रीकल्चर से बनने वाले अगले प्रोडक्ट हो गए मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया, ठीक है। अब थर्ड सेक्टर कैसे याद करेंगे, इन्हें याद कर लीजिएगा, जैसे ट्रेड है, व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, संप्रेषण है, बैंकिंग है, एजुकेशन मतलब शिक्षा है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य है, टूरिज्म तो आप जानते ही हो, सर्विसेज मतलब सेवाएं हैं, इंश्योरेंस, ठीक है, जीवन बीमा से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, सब तृतीयक क्षेत्र का भाग है। आगे चलते हैं दोस्तों, आर इंक्लूडेड इन द टेरिटरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र का भाग है। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तृतीयक क्षेत्र की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, माल और सेवाओं का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये जो एक्टिविटीज़ हैं क्या करती हैं, जो नेशनल इनकम जो होती है, राष्ट्रीय जो आय होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें क्या करती हैं, योगदान देती हैं, ठीक है, उसे बढ़ाती हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रियाकलापों के दो भाग हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ यानी मार्केट बाजार से संबंधित क्रियाकलाप एंड
नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो बाजार के अलावा जो क्रियाएं की जाती हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटी में हम रेम्यूनरेशन देते हैं। अब ये रेम्यूनरेशन क्या होता है, जो हम सैलरी पे करते हैं या जो हम पैसा देते हैं किसी व्यक्ति को काम के बजाय, ठीक है, उसे रेम्यूनरेशन कहते हैं इकोनॉमिक की लैंग्वेज में या कॉमर्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम क्या पे करते हैं, रेम्यूनरेशन पे करते हैं टू एनी वन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी फॉर पे और प्रॉफिट, ठीक है। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज नॉन, ठीक है, ये सारी होगी मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी स्वयं के कंजप्शन के लिए, स्वयं के उपभोग के लिए, उपभोग जानते हो ना, स्वयं के उपभोग के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसे नॉन मार्केट एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। आगे चलते हैं, सॉरी, दीज कैन बी कंजप्शन, इनका जो उपभोग किया जाता है एंड प्रोसेसिंग की जाती है फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राथमिक क्षेत्र के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें बनाने के लिए, एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और अपनी जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उन्हें बनाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पर, पेज को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, यहां से है, ड्यू टू से, वेट करिएगा एक मिनट, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, अब ठीक है। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण के कारण, देर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण जो लेबर का जो डिवीज़न है, यानी कार्य का जो बंटवारा किया गया है मैन एंड वुमेन के बीच, यानी स्त्री और पुरुष के बीच किया गया है, सही बात है भाई। हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न भी है। हिस्टोरिकल रीज़न ये हैं कि हम पास्ट से, पुराने ज़माने से ही करते आए हैं कि ये कार्य जो हैं वुमेंस करेंगी या महिलाएं करेंगी, और ये काम जो है पुरुष करेंगी। अब कल्चरल इफ़ेक्ट क्या है इसका, कल्चरल इफ़ेक्ट होता है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव कैसे होगा, हमारे कल्चर में एक वो है, जैसे मैं हिंदू कल्चर से बात करूं तो हिंदू कल्चर में एक प्रथा है कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगी, ठीक है, गृहिणी होती हैं वो घर का काम करेंगी, और जो पुरुष हैं वो बाहर का कार्य करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट आता है। तो ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, कार्य का जो बंटवारा है बिटवीन मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुष में कर दिया गया है, इन द फैमिली, ठीक है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, जो महिलाएं होती हैं ज़्यादातर घरेलू कार्य को देखती हैं, और जो मैन वर्क इन द फील्ड्स, और जो पुरुष जो होते हैं वो फील्ड यानी बाहर कार्य करते हैं, ठीक है। सकल्स मदर, यहाँ देखिए, सकल्स मदर सीला कुक्स फूड, सकल की माँ जो है सीला खाना बनाती है, और क्लीन यूटेंसिल बर्तन साफ करती है, वॉशेस क्लॉथ्स कपड़े भी धोती है, क्लीन्स द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, घर साफ करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। सकल्स फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड, बूटा जो है सकल के पिताजी हैं, वे क्या करते हैं खेत में, क्या करते हैं खेती करते हैं। सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और जो प्रोडक्शन होता है कहाँ से, खेत से या फील्ड से, उसे मार्केट में क्या करते हैं सेल करते हैं बेचते हैं। एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, और जो फैमिली है ठीक है उसके लिए क्या कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, मनी कमाते हैं, ठीक है, घरेलू खर्चों के लिए, ठीक है, या घर चलाने के लिए। इसका मतलब हम ये समझे, जो कार्य का जो है, लेबर का जो है बंटवारा है, कार्य का बंटवारा है मैन एंड वुमेन के बीच। अब आगे चलते हैं, सीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए, सीला जो कार्य करती है, अपनी सेवाएं देती हैं, उनके लिए उन्हें कुछ पैसा नहीं मिलता है, या उन्हें कुछ पैसा ही नहीं मिलता है जो उन्होंने अपनी फैमिली को ऊपर उठाने के लिए किया,
बट बूटा अर्न्स मनी, बूटा जो है पैसे कमाते हैं, विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, अपनी फैमिली का जीवन यापन करने के लिए वो उन पैसों को स्पेंड करते हैं। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, जो महिलाएं होती हैं जो अपनी सेवाएं देती हैं अपनी फैमिली में, ठीक है, अपने परिवार में, उनके लिए कुछ नहीं दिया जाता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज नॉट रिकोगनाइज इन द नेशनल इनकम, जो महिलाओं का जो गृह कार्य होता है वो राष्ट्रीय आय में रिकोगनाइज यानी पहचान नहीं, इंक्लूड नहीं किया जाता, उसे हम गिनते ही नहीं हैं। अब गीता मदर ऑफ विलास, गीता जो है विलास की माँ है, अर्न एन इनकम बाई सेलिंग फिश, मछली बेच के कुछ इनकम कमाती हैं कि नहीं कमाती हैं। हाँ, दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क वेन दे एंटर द लेबर मार्केट, महिलाओं को केवल तभी पेड करते हैं जब वे लेबर मार्केट यानी जो मजदूरों का जो बाजार होता है उसमें प्रवेश करती हैं, ठीक है, तभी हम उन्हें पेड करते हैं। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, उनकी जो अर्निंग है वो किस आधार पर, मेल के काउंटर पार्ट के आधार पर डिटरमाइंड की जाती है, उनकी एजुकेशन और स्किल के आधार पर अर्निंग डिटरमाइंड की जाती है। अब यहाँ से चलते हैं, इसका मतलब हम समझे क्या कि जो एजुकेशन जो है, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम, यानी शिक्षा जो है सहायता करती है प्रत्येक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, टू मेक बेटर यूज, बेहतर उपयोग कर सके, किसका, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उनका बेहतर ढंग से उपयोग कर सके। जो कौन, एजुकेशन ही तो वो देती है, अवसर देती है व्यक्ति को, ठीक है। तो एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटरमाइनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट, जो शिक्षा और जो उसकी ट्रेनिंग होती है, स्किल जो होती है, उसमें योग्यताएँ जो होती हैं, आर द मेजर मतलब मुख्य, डिटरमाइनेंट्स मतलब निर्धारक हैं, ऑफ द अर्निंग यानी अर्निंग मतलब जानते हो ना, इनकम का, ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट, यानी बाजार में किसी व्यक्ति की कमाई किस पर आधारित होती है कि उसकी एजुकेशन कितनी है और उसकी स्किल कितनी है। अ मेजोरिटी, अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन, एक बड़ी संख्या में, और यानी महिलाओं की एक बड़ी संख्या हैव मिग्री एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, उनकी जो एजुकेशन होती है वो ना के बराबर होती है ना, महिलाओं को यही तो समझा जाता है हमारे मतलब समाज में, जो कि गलत है। अब ऐसी कंडीशन नहीं है, अब कंडीशन जो है अपवर्ड हो रही है। एंड लो स्किल फॉर्मेशन, उन महिलाओं को ये समझा जाता है कि इनकी एजुकेशन ना के बराबर है, उनकी जो स्किल्स हैं, योग्यताएँ हैं, वो ना के बराबर हैं, लो हैं, कम हैं। वुमेन आर पेड लो कॉम्पेयर टू मैन, हाँ ये बात ही ठीक है, जब महिलाएं मजदूरी करने जाती हैं ना दोस्तों, तो उन्हें मेंस की यानी पुरुषों की तुलना में कम धन, कम मजदूरी दी जाती है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, मोस्ट वुमेन वर्क, ज़्यादातर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां जॉब की कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, ठीक है। आगे वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर, वेरियस एक्टिविटी मतलब विभिन्न क्रियाएं, रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी रूप से जिन्हें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिला हो, इस मीगर ना के बराबर है, यानी ऐसी जॉब करती हैं जहां पर जो प्रोटेक्शन है वो ना के बराबर, लीगली ना हो, ठीक है, न्यायिक ना हो। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाई द इरेगुलर एंड लो इनकम, ये जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में महिलाएँ काम करती हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की जो दशा है वो क्या है, इरेगुलर है, यानी नियमित रूप से उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, और इनकम जो उनकी कैसी है, लो है। इन दिस सेक्टर देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, जहाँ महिलाएँ काम करती हैं ज़्यादातर सेक्टरों में क्या एब्सेंस होता है, मैटरनिटी लीव नहीं रहती। मैटरनिटी लीव मतलब अगर महिलाओं का अगर प्रसव हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो, उनका प्रसव होने वाला हो, तो वो मैटरनिटी लीव मिलती नहीं है उन्हें, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती। चाइल्ड केयर मतलब वे अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती हैं ड्यूरिंग द ड्यूटी।
एंड अदर सोशल सिक्योरिटी और अन्य जो सामाजिक सुरक्षा हैं वे नहीं मिल पाती हैं। हाउ एवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन, जबकि जो ऐसी महिलाएं जिनकी एजुकेशन बहुत हाई होती है, शिक्षा बहुत उच्च होती है, एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन, और जिनकी स्किल जो होती हैं, योग्यताएं जो होती हैं, पुरुषों के समान ही होती हैं, उनको पुरुषों के बराबर ही वेतन दिया जाता है। ठीक है, अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो सेक्टर ऑर्गेनाइज हैं, संगठित क्षेत्रों में टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट, ये सेक्टर उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, टीचिंग एंड मेडिसिन। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, ज़्यादातर महिलाएं जो देखो यहाँ कौन सी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, ज़्यादातर महिलाओं को टीचिंग यानी शिक्षा, शिक्षक ज़्यादा बनती हैं, और मेडिसिन सेक्टर डॉक्टर ज़्यादा बनती हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब, अब ज़्यादातर महिलाएं जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में चली गई हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन गई हैं, डीएम बन गई हैं, एसडीएम बन गई हैं, एंड अदर सर्विसेज जो इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस इसमें आ गई हैं। वह अब तो महिलाएँ बहुत ऊँची ऊँची जगह जा रही हैं, हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, ठीक है, इन सब चीज़ों में आ गई हैं महिलाएँ जो हैं, साइंटिफिक क्षेत्रों में भी आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्रों में भी आ गई हैं। ठीक है, आस्क योर सिस्टर योर क्लासमेट व्हाट सी वुड लाइक टू टेक अप एज अ करियर, अपने सिस्टर अपनी बहन से पूछना और अपने क्लासमेट से पूछना, ठीक है, कि वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। थैंक यू बच्चों, इतनी आप करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी।